नेक्स्ट टॉपिक है 11.2 डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि हम जो कहते हैं ना कि मुझे नंबर आए वो दूर के नंबर आए, मुझे नज़दीक के नंबर आए, तो इस केस में क्या होता है कि हम नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाते या तो बहुत दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उसको करेक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए हम स्पेक्टेकल्स करवाते हैं पर्टिकुलर नंबर से, तो बस इसी के ऊपर है। तो इसके तीन टाइप के डिफेक्ट्स है, मायोपिया और नियर साइटनेस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है मायोपिया में कि जो दूर डिस्टेंस के है, नियर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं देख पाते, दूर की चीज़ें नहीं देख पाते, ठीक। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक कॉन्केव लेंस लगाया जाता है, या पे फिगर है, ठीक है, यहाँ के जो नियर का जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वो देख पाता है नियर साइटनेस, लेकिन जो दूर के है वो नहीं देख पाता। तो नियर है ऑब्जेक्ट तो उसका क्लियरली इमेज रेटिना पे जा रहा है, तो नियर के विजिबल है, लेकिन बहुत इंफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर के है तो वो नहीं देख पा, वो रेटिना के नियर पर रहा है इमेज, इसलिए वो नहीं देख पा। तो उसके करेक्शन के लिए क्या किया गया, एक लेंस लगाया गया कॉन्केव लेंस, उससे वो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया और फार साइटनेस, तो उसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है वो देख पा रहे हैं, लेकिन जो नियर के ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं देख पा रहे। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि एक करेक्शन किया गया और कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो इमेज है रेटिना के पीछे जा रही थी तो वो रेटिना पे होगी, ठीक है। ये जो हम जो आई ग्लासेस करवाते हैं बेसिकली ये दो ही है, ठीक है। और लास्ट वन है प्रेस बाय ओपिया, इसमें क्या होता है कि नियर के डिस्टेंस और दूर के डिस्टेंस दोनों देख नहीं देख पा रहे, ठीक है, लेकिन जो बीच के है वो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हो तो उसको कहते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है। उसके करेक्शन के लिए क्या किया जाता है, लेंस ही पहना जाता है, लेकिन वो लेंस है वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों होता है, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation, ठीक है। तो हमारी जो आई है वो जो accommodation है, power of accommodation, यानी कि जो वो लेंस को थिन या थिकर करती है, ठीक है, सीलियरी मसल से, तो वो लूज हो जाता है पावर, ठीक है। इन सच कंडीशंस द पर्सन कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कम्फर्टेबली, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कम्फर्टेबली नहीं देख पाता है। द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई, तो इस वजह से जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाता है, या तो दूर के ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाते हैं या तो नियर के ऑब्जेक्ट्स जो भी डिफेक्ट हो उसके अकॉर्डिंगली। देर आर मेनली थ्री कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दीज आर फर्स्ट मायोपिया और नियर साइटनेस, सेकंड हाइपर मेट्रोपिया और फार साइटनेस, एंड थर्ड प्रेस बायोपिया। दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाई द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। तो अगर ये डिफेक्ट है तो हम देखते ही है कि हम जो ग्लास पहनते हैं, ठीक है, तो उसमें यही कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है, और पर्टिकुलर उसके पर्टिकुलर नंबर के ही किया जाता है पर्टिकुलर डिफेक्ट्स के लिए, ठीक है। जो हम जो लेंस पहनते हैं स्पेक्टिकल की जगह अभी एक ऑल्टरनेटिव है लेंस, तो उसमें भी सेम ही होता है, उसमें भी स्फेरिकल लेंस ही होता है। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन, ठीक। तो फर्स्ट है मायोपिया, म्योपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मतलब कि नज़दीक की चीज़ें देख पाना, दूर की नहीं देख पाना। अ पर्सन विज म्योपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ठीक है। तो नियर के ऑब्जेक्ट्स वो क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है उसको नहीं देख पा रहा है। अ पर्सन विज दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो जो फार पॉइंट है, जो जनरली नॉर्मल विजन हो तो उसमें वो इन्फिनिटी होता है, कि मतलब इन्फिनिटी पर जो चीज़ें ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली विजिबल हो पाए, लेकिन वो फायर पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, वो नियर होता है, ठीक है। सपोज ये इन्फिनिटी है तो उसके नियर है ये फायर पॉइंट, ये ओ है वो फायर पॉइंट है। अब इससे आगे की चीज़ें होगी वो नहीं क्लियरली नहीं देख पाएंगे, वो ब्लर हो जाएगी, तो ठीक है। उस तो जो फायर पॉइंट तक यानी कि इसके बीच में जो भी
ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से रेज जा रहे हैं और वो आई का जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसे रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है और वो क्लियरली विजिबल है। अब जो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है फार पॉइंट से दूर, तो उससे क्या हो रहा है उसका इमेज नज़दीक फॉर्म हो रहा है। अब ये जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया गया, कॉन्केव लेंस यूज़ किया गया। ठीक है, उसके बीच में कॉन्केव लेंस लगा दिया, तो उससे क्या हो रहा है फिर से वो ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे जा रहा है। सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर्स, तो कुछ मीटर तक वो क्लियरली देख पाता है लेकिन उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखा देगा। इन अ म्योपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है फार पॉइंट से दूर है तो उसकी इमेज रेटिना के नियर इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो ये जो है दिया है म्योपिक आई, तो उसकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म हो रही है। ठीक है, दिस डिफेक्ट में अराइज एंड नॉट एट अ रेटिना इटसेल्फ, तो रेटिना पे नहीं हो रही है उसके फ्रंट में हो रही है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू फर्स्ट एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, तो जो आई लेंस है उसका एक्सेसिव कर्वेचर मतलब वो थिन नहीं हो पा रहा है। अगर थिन होता तो उसका फोकल पॉइंट पीछे चला जाता और वो रहता, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है फोकल पॉइंट पीछे हो, लेकिन वो थिन नहीं हो पा रहा है इस वजह से उसका कर्वेचर एक्सेसिव है मतलब वो ज़्यादा थिक है। ठीक है, इस तरह से थिक है इसलिए। सेकंड एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, तो आई बॉल का एलोंगेशन नहीं हो पा रहा है मतलब वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, ठीक है, तो पर्टिकुलर कॉन्केव लेंस यूज करके हम इस डिफेक्ट को सॉल्व कर करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 11.2C, तो ये जो करेक्शन ऑफ होम्योपिया तो ये उसकी इमेज है, कॉन्केव लेंस लगा दिया उससे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे ही जा रही है, जो फार डिस्टेंस पे इन्फाइनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेटिना पे जा रही है। कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना, तो जो वो इमेज यहाँ फॉर्म हो रही थी वो अब क्या होगा, अब वो रेटिना पे फॉर्म हो गया एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्ट, और ये डिफेक्ट करेक्ट हो गए। ठीक है, तो याद रखना कि म्योपिया डिफेक्ट हो तो उसके लिए कॉन्केव लेंस यूज किया जा रहा है, लेकिन कोई भी कॉन्केव लेंस यूज नहीं कर सकते, उसके लिए पर्टिकुलर जो सुटेबल पावर या सुटेबल लेंथ फोकल लेंथ उसका ही हम यूज कर सकते, नहीं तो क्या होगा कि ये जो रेटिना पे हो रहा है वो कहीं और होता, पीछे आके पीछे हो जाता, इसलिए उसका सुटेबल पावर जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटनेस एंड प्रेस बायोपिया पे स्टडी करेंगे। ओके, सेकंड विजन डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, जैसे म्योपिया में था तो उससे कम्प्लीटली अपोजिट है। ठीक है, उसमें दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे थे, इसमें नियर की चीज़ें नहीं देख पाएंगे। नॉर्मल पर्सन में नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर तक की कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो क्लियरली नहीं देख पाता, वो ब्लर हो जाता है और आईज पे स्ट्रेन होता है। लेकिन जिस पर्सन को ये विजन डिफेक्ट होगा तो उसमें क्या होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा होता है, उस वजह से उसके जो इतना नियर के जो डिस्टेंस होगा तो वो ज़्यादा होगा, इसलिए वो नहीं देख पाएगा। तो ये डिफेक्ट हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, तो नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपर मेट्रोपिक आई, ठीक है, तो ये नियर पॉइंट है, इसके नियर की कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसको नहीं देख पाएगा। सपोज ये एंड डिस्टेंस है तो उसके बीच में रखा कोई ऑब्जेक्ट तो उसका जो इमेज होगा वो रेटिना के पीछे फॉर्म होगा, इसलिए वो इमेज नहीं देख पाएगा, ब्लर होगा। तो ये डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक कॉन्वेक्स लेंस बीच में रखा जाता है, जैसे हम स्पेक्टेकल्स कहते हैं वैसे ही आई ग्लास है, तो वो रखा तो उससे क्या होगा कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट की रेटिना के ऊपर फॉर्म होगी। करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है, इसका डिटेल में देख लेते हैं। ये तीन डायग्राम आप याद रखना, ठीक है, फिगर हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसको वो क्लियरली देख पाएगा, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं देख पाएगा डिस्टिंक्टली। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल पर्सन का 25 सेंटीमीटर होता है, नॉर्मल विजन होता है जिस पर्सन का उसका, तो इस केस में उससे ज़्यादा होगा। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग,
तो जो डिस्टेंस होगा वो 25 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा जितना उसका है, तो ही वो कंफर्टेबली रीडिंग कर पाएगा. दिस इज बिकॉज द लाइट रेस फ्रॉम अ क्लोजली क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना. तो उसका जो इमेज हो रहा है तो वो रेटिना के बिहाइंड में फोकस हो रहा है. फिगर 11.3b. दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग. ठीक है, यानी कि जो लेंस है वो थीन है. ठीक है, हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है. तो जो लेंस है जिस गोले में से बना है, ठीक है, उसका रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसका नियरली हाफ ही होता है फोकल लेंथ. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी इसकी और लेंस थिन होगा, तो वो कर्वेचर उसका बढ़ नहीं पा रहा होगा. ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग. टू लॉन्ग है इसी वजह से वो इमेज बिहाइंड जा रही है, दूर जा रही है. एंड और सेकंड, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल. अगर आई बॉल टू स्मॉल है तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर. तो ये डिफेक्ट को हमें क्लियर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा और वो भी अप्रोप्रिएट पावर का ही, तभी वो इमेज पर्टिकुलर रेटिना पे आएगी. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 11.3c. तो यहाँ पे जो फिगर है इसमें दिखाया कि हमारी आई और ऑब्जेक्ट उसके बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा, तो उससे वो इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना पे हो रही है. आई ग्लासेस विथ कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑफ द ऑन द रेटिना. ठीक है, तो इसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म हो रही है. ठीक है, तो ये डिफेक्ट करेक्ट होगी. अब जो लास्ट वन है, प्रेस बायोपिया, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग. जो जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है उस तरह से जो विजन है वो हमारा कम होता जाता है. फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस अवे. तो जो नियर पॉइंट था, सपोज ये हमारी आई है, तो जो नियर पॉइंट था वो दूर जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे था तो एज होती जाएगी तो वो बढ़ के दूर चला जाएगा. ठीक है, तो ये नियर पॉइंट. दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लास. ठीक है, तो उनको आई ग्लास की रिक्वायर रहती है, नहीं तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते. दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबियोपिया. ठीक है, इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस. ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि एज के साथ जो मतलब जो सिलियरी मसल्स है जो जो लेंस को थिक और थिन करता है, ठीक, वो वीक होता जाएगा. और दूसरा है कि डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, ये दो रीजन है, सिलियरी मसल्स और आई लेंस. समटाइम्स अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ म्योपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन को दोनों हो, मतलब नियर के ऑब्जेक्ट्स भी ना देख पाए और बहुत दूर के भी ना देख पाए, उसके बीच के देख पाए. ठीक है, सच पीपल ऑफन रिक्वायर बायफोकल लेंस. तो उसको मतलब पर्टिकुलर लेंस चाहिए होते हैं बायफोकल लेंस, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस जो एक ही तरह एक ही में बनाए गए. कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंसेस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस. तो उसमें क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं. ठीक, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए और कॉनकेव लेंस है वो इन्फिनिटी पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट देखने के लिए. द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंस विजन. ठीक, तो कुछ इस तरह का लेंस होगा, ऊपर नीचे कॉनकेव लेंस है और बीच में कॉन्वेक्स लेंस है. तो अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, तो ये दोनों कॉनकेव लेंस है. इट फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन, तो डिस्टेंस विजन के लिए जो अपर लेंस है वो यूज होता है. और द लोअर पार्ट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, तो जो बीच का पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, इट फैसिलिटेट नियर विजन, यानी कि नियर विजन और डिस्टेंस विजन दोनों क्लियर हो गए. दिस डेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन. तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, तो जो स्पेक्टिकल्स के ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट लेंस भी हम पहन सकते हैं. और सेकंड है सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि सर्जिकल ऑपरेशन से जो नंबर से आई के नंबर उसको करेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म उसके ऊपर स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक 11.3, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म.
पहले देख लेते हैं प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म में कैसा होता है, दो सर तीन सर टोटल फाइव सरफेस होती है, उसकी दो सरफेस होती है वो ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, तो ये जो ड्रॉ किया इससे आप समझ पाओगे कि किस तरह से उसकी थ्री सरफेस है वो रेक्टेंगुलर होती है और जो दो सरफेस है वो ट्रायंगुलर होती है। तो इससे जो इस पे जो अगर जो लाइट इंसिडेंट होती है उसका जो रिफ्लेक्शन होगा तो वही इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर स्टडी है। ठीक, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ किस तरह का है। तो ये है प्रिज्म, ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है, एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है पिक, ये जो पिक क्यू है वो इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस पे, ए बी सरफेस पे, ये ए बी सी, ये प्रिज्म है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रिफ्लेक्टेड है, उसके बाद है लास्ट में प्रिज्म से आउट होती है, तो वो हो जाती है ये रे। ठीक है, अब जो बी ई है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ई एफ है उसको रिफ्रेक्टेड रे कहते हैं, एफ एस है जो लास्ट है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं, और प्रिज्म का एक एंगल होता है तो उसको एंगल ए है तो ये प्रिज्म ऑफ एंगल कहते हैं। एंगल आई, यहाँ पर जो आई है मतलब इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आर ए रिफ्लेक्शन है, उसके बाद है एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो ये एंगल ही है। और जो डेविएट हुआ मतलब अगर ये जो रे है तो वो स्ट्रेट जाता तो इस डायरेक्शन में जाता, लेकिन वो पूरा डेविएट होकर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन, उतना डेविएशन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, पूरा इसके ऊपर ही स्टडी है, तो देख ले रहे हैं स्टार्टिंग से। यू हैव लर्नड हाउ लाइट गेट्स रिफ्रेक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो ये हम स्टडी कर चुके हैं। अगर तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट कैसे रिफ्रेक्ट होता है, तो ये लाइट स्लैब है रेक्टेंगुलर स्लैब, उस पर एक इंसिडेंट रे हो रहा है वो रिफ्रेक्टेड होगा, ये ग्लास मीडियम है, ये एयर है, ये एयर है, तो फिर से वो रिफ्रेक्ट होगा तो इस वे में जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो इंसिडेंट रे और लास्ट में जो इमर्जेंट रे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और जो डिस्टेंस होगा उसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो फिनोमिनन है तो हम आगे के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और एंड रिफ्लेक्शन उसमें सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास में हो रहा था वो ऐसा नहीं होगा, प्रिज्म में हमने देखा ना इस तरह से होता है, ये प्रिज्म है, लाइट जा रही है इस तरह से जाएगा, तो इसमें जो इंसिडेंट रे है और लास्ट जो इमर्जेंट रे है तो वो पैरेलल नहीं है जैसा कि रेक्टेंगुलर स्लैब में हो रहा था। फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस एज इन अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस है वो पैरेलल है। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जबकि प्रिज्म में देखेंगे तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक, इंक्लाइंड है। ठीक, हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली, तो इस केस में क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे है ये है इंसिडेंट रे, और जो फाइनल रे है इमर्जेंट रे, तो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, अगर हम अज्यूम करें कि इंसिडेंट रे जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो एक दूसरे के पैरेलल है बट स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली, उसका रीजन है कि ये दोनों जो रिफ्रेक्टिंग सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, जबकि प्रिज्म में वो दोनों नहीं है पैरेलल। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रेक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म, कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म जो मैंने दिखा है वैसे, इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसिस, तो उसके दो बेज है, ये एक बेज है ट्राइंगुलर और दूसरा ये, एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसिस, तो इसकी जो ये जो सरफेस है एक, फिर उसके बाद दूसरी और नीचे की तीसरी, तो तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसिस है, दिस सर्फेसिस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, तो ये जो तीनों सर्फेसिस है वो एक दूसरे के इंक्लाइंड है, इस तरह से पैरेलल नहीं है जैसे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में था उस तरह से। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं कि टू लेटरल फेसेस है उसके बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं।
लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक, तो प्रिज्म में से कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। मैं आपको एक्टिविटी शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरह से। उसमें कैसा है कि पहले एक हमें वाइट शीट लेनी है, उसके ऊपर हमें एक पिन लगानी है पी और ई पे। ठीक, मैं पहले से बता देता हूँ। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। तो पहले एक शीट वाइट शीट लेना है, उसको फिक्स करना है ड्राइंग बोर्ड में। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्राइंगुलर बेस। तो यहाँ पे जो प्रिज्म है तो उसका एक बेस हमें दिख रहा है, तो दूसरा बेस उसके व्हाइट बोर्ड पे रेस्ट है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पी ई इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस से ए बी ऑफ द प्रिज्म। तो एक लाइन ड्रॉ करना है पी ई, तो ये ड्रॉ किया। उसके बाद फिक्स टू पिन्स, तो पी और क्यू ये दो पॉइंट पे पिन्स लगानी है। ऑन द लाइन पी ई एज शोन इन फिगर, तो फिगर में दिखाई उस तरह से। लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन फिक्स एट पी एंड क्यू। अब पी एंड क्यू उसको पिन को ऐसे ही रहना देना है, और जो यहाँ पे जो ए सी सर्फेस है उसके इस साइड से हमें देखना है इमेज। तो अब यहाँ से हम अपनी आंखें रख के इमेज देखेंगे तो वो हमें इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। ठीक है, कि यहाँ से है इमेज। फिक्स टू मोर पिन्स एट पॉइंट आर एंड एस, सजेस्ट द पिन्स एट आर एंड एस एंड द इमेजेस ऑफ द पिन्स एट पी एंड क्यू लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये पी और क्यू का इमेज दिखेगा यहाँ पे इस लाइन में, तो हम आर एंड एस पिन लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, प्रिज्म ले लेना है और ग्लास पिन भी ले लेनी है। उसके बाद पॉइंट ज्वाइन करना है पी क्यू, और ये जो प्रिज्म तो पहले हमने ड्रॉ किया था स्टार्ट करते वक्त, तो उसका जो यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा तो वो ई पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे आर एस से स्ट्रेच करके एफ। तो यहाँ पे आपको एक पूरा लाइन मिलेगा पी क्यू ई एफ आर एस। ठीक, तो सब ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि जो ई बी सरफेस है प्रिज्म की उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ए सी सरफेस पर परपेंडिकुलर एम एम डैश ड्रॉ किया है, और ए बी सरफेस है एन एन डैश। ठीक, मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट और परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो इन तीनों से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पे आइए, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम वे में, रिफ्लेक्टेड वे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो जो बनता है उसको रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, तो ये रहा लास्ट। ठीक है, तो ये सब ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे पी ई इंसिडेंट रे, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे, एफ एस इमर्जेंट रे, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि इंसिडेंट रे वो कितना डेविएट हुआ। तो इंसिडेंट रे को इस वे में जाना चाहिए था लेकिन वो इतना डेविएट हुआ, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन। थियरी समझ लेते हैं। हियर पी ई इज द इंसिडेंट रे, ई एफ इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड एफ एस इज द इमर्जेंट रे। यू मे नॉट दैट अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सर्फेस ए बी। तो यहाँ पे जो मीडियम है वो एयर है, ये जो मीडियम है वो ग्लास है, और ये जो मीडियम है अगेन एयर है। तो एयर में से ग्लास में आती है, तो मतलब एयर की डेंसिटी कम है और इसकी ज़्यादा है, हाई डेंस है, ऑप्टिकली हाई डेंस मीडियम ग्लास है और ये लेस डेंस है। तो क्या होगा कि वो जो रे है इंसिडेंट रे वो परपेंडिकुलर की और बैंड होगा। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, तो उसकी जगह वो बैंड हुआ ये इस डायरेक्शन में बैंड हुआ। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल का है, तो नॉर्मल है उसकी साइड बैंड हुआ, ये डायरेक्शन थे उसकी जगह पे बैंड हो गया। एट द सेकंड सरफेस ए सी द लाइट रे हैज एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो यहाँ पे वो ग्लास से एयर में जा रहा है, तो वो क्या होगा, जो नॉर्मल से उससे वो दूर जाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस का नॉर्मल ये है। ठीक है, तो अगर इस ये रे अगर ऐसे ही जाता तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, तो उसने क्या किया, जो नॉर्मल है उससे दूर हुआ बैंड, तो ये इस डायरेक्शन में बैंड हुआ। हैंस इट हैज बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से अवे गया। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बैंडिंग दैट अकर्स इन अ ग्लास
तो वो थोड़ा ग्लास स्लैब के थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रेक्टिंग सर्फेसिस है वो पैरेलल नहीं है, इस वजह से उसका जो इंसिडेंट रे और फाइनल रे इमर्जेंट रे वो पैरेलल नहीं है। द पेक्यूलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स इट इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डिरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो इसका जो शेप है पूरा ट्रायंगुलर है, उस रीजन से क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे और जो फाइनल इमर्जेंट रे उसके बीच में एक एंगल है। दिस एंगल इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये डेफिनेशन याद रखना, द पेक्यूलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डिरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस केस एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये रे को पीछे खींचा और ये रे को आगे जाने दिया, तो जो एंगल आ रहा है वो एंगल ऑफ डेविएशन। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। तो हम इससे हम मेजर कर सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन अगर हमने ये पूरा एक्टिविटी किया है तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास फ्रेम उसके ऊपर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 11.4 डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास फ्रेम। ठीक है, तो मैं पहला पूरा थियरी आपको शॉर्ट में बताता हूँ किस तरह से। जो वाइट लाइट है वो टोटल 7 लाइट से बना हुआ है, तो जो रेनबो के 7 कलर्स है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इन सबको मिला दो तो वाइट लाइट बन जाता है। ठीक, तो ये सब उसके ही मतलब पार्ट्स है वाइट लाइट्स के। तो वाइट लाइट बना है ये 7 कलरों को मिला के। ठीक, तो जब भी वाइट लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो अपने 7 कलर्स है उसमें वो डिवाइड हो जाता है। ठीक, स्प्लिट हो जाता है, तो ये जो है उसको डिस्पर्जन कहते हैं। और वो प्रूव करता है कि ये जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स का बना हुआ है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो एक वाइट लाइट का बीम लिया, उसको प्रिज्म पे इंसिडेंट किया। ठीक, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके जो 7 कलर्स है वाइट लाइट जो बना हुआ है वो, तो वो सब स्प्लिट हो जाते हैं और अलग अलग एंगल में बेंड हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि मैं यहाँ पे अगर वाइट स्क्रीन ले तो यहाँ पे हमें 7 कलर्स स्क्रीन पे दिखा देते हैं, और जो 7 कलर स्क्रीन पे दिखा देते हैं वाइट स्क्रीन पे, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, तो ये प्रूव करता है कि वाइट लाइट है वो 7 कलर का बना हुआ है। ठीक है, जो रेनबो के 7 कलर्स है वो उसको मिला दो तो वाइट कलर बन जाएगा। दूसरा एक है कि न्यूटन ने क्या किया कि उसने प्रूव करना था कि वाइट लाइट 7 कलर्स का बना हुआ, तो वाइट लाइट है तो उसको एक प्रिज्म रखा, तो उससे वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया। अब वही 7 कलर को दूसरे प्रिज्म से कंबाइन किया, तो रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, तो 7 कलर को रिकम्बाइन किया तो वो वाइट लाइट फॉर्म हुआ, फाइनली स्क्रीन पर वाइट लाइट शो हुआ। तो ये प्रूव करता है कि मतलब जो वाइट लाइट है वो ये 7 कलर का बना हुआ है। लास्ट में रेनबो फॉर्मेशन, तो हम मॉनसून में देखते हैं कि रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह से रेनबो पूरा फॉर्म होता है, 7 कलर्स होता है। तो वो क्यों हो रहा है कि जो सनलाइट है वो वाइट लाइट है, तो जो मॉनसून की सीजन में जब हवा में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, तो उसमें क्या होता है कि ये जो डिस्पर्सन होता है, जो वाइट लाइट है वो डिस्पर्स होती है। ठीक है, तो वो अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, तो उस वजह से पूरा का पूरा रेनबो फॉर्म होता है। ठीक, तो रेनबो होने का रीज़न भी यही है कि वाइट लाइट है वो टोटल 7 कलर्स का बना हुआ है। ठीक, तो ये तीनों टॉपिक के ऊपर हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। ठीक, वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. तो रेनबो सबने देखा होगा, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। सेकंड, how could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? तो रेनबो क्यों फॉर्म हो रहा है, वो सन लाइट्स में ही फॉर्म होता है। सन होता है तभी होता है, कभी रात में कभी किसी ने रेनबो देखा तो नहीं, वो नाइट में फॉर्म नहीं होता, वो डे में ही होता है। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन We shall first go back to the refraction of light through a prism. ठीक, तो रेनबो का फॉर्मेशन समझे उससे पहले हम
लाइट का रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म से, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। द इंक्लाइन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म सो एक्साइटिंग फिनोमिना। तो जो प्रिज्म की जो सरफेस होती है दो, तो वो इंक्लाइंड होती है, जो जैसे रेक्टेंगुलर में पैरेलल थी तो इसमें इंक्लाइंड होती है जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है। ठीक, लेट अस फाइंड इट आउट थ्रू एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के थ्रू फाइंड आउट क्वेश्चन, तो इसमें सिंपल है, मैं एक्टिविटी डिटेल में बता क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, एक व्हाइट बोर्ड पे प्रिज्म रखना है, उसके बाद कोई एक सोर्स लेना है, कोई भी लाइट सोर्स जो व्हाइट लाइट दे रहा हो, फिर उसके बाद एक बोर्ड लेना है कार्डबोर्ड, उसके अंदर से एक होल करना है, ठीक है, ताकि उसमें से जो रे जाए वो एक सिर्फ एक बीम ही हो रहेगा। फिर उस रे ऑफ बीम जो लाइट का जो रे है उसको प्रिज्म के एक सरफेस पे इंसिडेंट होना है, और उसके बाद उसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे एक वाइट स्क्रीन रखना है। तो हम देखेंगे तो वाइट स्क्रीन पे हमें 7 कलर्स दिखाई देंगे। ठीक, द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ कलर्स। तो प्रिज्म ने क्या किया कि जो वाइट लाइट का बीम था उसको उसके 7 कलर्स में, बैंड ऑफ कलर्स में उसको स्प्लिट कर दिया। नॉट द कलर्स दैट अपीयर एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड। तो कलर बैंड के जो टू बैंड अपोजिट वहाँ के कौन से कलर शो हो रहे हैं एंड पे, एक वायलेट और एक रेड, जस्ट सिमिलर टू द रेनबो। रेनबो में भी ये दोनों कलर लास्ट होते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन पे जो हम सीक्वेंस देख रहे हैं वो रेनबो की सीक्वेंस है। द वेरियस कलर्स सीन आर वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन फिगर। तो वायोलेट है, उसके बाद है इंडिगो, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। तो ये सीक्वेंस में ही होता है। द एक्रोनिम विबजॉर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर। तो सीक्वेंस की याद रखना है तो विबजॉर याद रख लो, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। तो ये जो ये बैंड बना फॉर्म हुआ तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रख लेना, बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम। तो पूरा बैंड है किसका है, कलर कंपोनेंट्स, लाइट बीम का जो कलर कंपोनेंट्स है उसका, इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। तो इसको व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली। तो जैसे हम रेनबो देखते हैं तो एकदम सेपरेटली नहीं दिखते, लेकिन वो एक दूसरे के टच में ही रहते हैं इस तरह से। येट समथिंग मेक्स ईच अदर डिस्टिंक फ्रॉम द अदर। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन याद रख लेना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये जो पूरा बैंड है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है कि जो लाइट स्प्लिट हो रही है उसको डिस्पर्जन कहते हैं। यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट्स बाय प्रिज्म। तो जो वाइट लाइट है तो वो अपने 7 कलर कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो गई। व्हाई डू वी गेट दिस कलर्स। तो हम ये कलर्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर का बना हुआ है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो हमें पता है कि विजिबल लाइट है तो उसमें ये सब कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उस वजह से उसका बैंडिंग भी डिफरेंट होता है। प्रिज्म में बैंडिंग डिफरेंट होता है, जैसे कि रेड कलर का बैंडिंग थोड़ा कम है जैसे, और वायलेट का बहुत ही ज़्यादा बैंड हो रहा है। ठीक, द रेड लाइट बैंड्स एट द लीस्ट। तो ये जो रेड लाइट है वो लास्ट है, तो वो बहुत ही कम बैंड हुआ, और जो वायलेट है वो बहुत ज़्यादा बैंड हुआ, वाइल द वायलेट द मोस्ट, और बाकी के सब इन बिटवीन है। दस द रेस ऑफ ईच कलर इमर्ज अलोंग डिफरेंट पाथ्स एंड दस बिकम डिस्टिंग। तो हमें ये सब कलर्स अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग एंगल पे बैंड हो रहे हैं। ठीक है, तो उस सबका पाथ डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो रेड का ये पाथ है, ऑरेंज का ये पाथ है, ब्लू का ये पाथ है, वायलेट का ये पाथ है, इस तरह से। इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंग कलर दैट वी सी इन अ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसको हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो ये जो
आइजैक सर आइजैक न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ग्लास प्रिज्म को यूज करके लाइट का स्पेक्ट्रम बनाया था। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट प्रिज्म से 7 कलर्स फॉर्म हो चुके कंपोनेंट्स में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो 7 कलर्स को फिर से ट्राई किया कि अगर वो फिर से आगे होते हैं कि नहीं, डिस्पर्स होते हैं कि नहीं, अनदर सिमिलर। हाउएवर ही कूडंट गेट एनी मोर कलर्स। तो बेसिकली ये 7 कलर्स से उससे ज़्यादा कलर्स वो नहीं मिल पाए क्योंकि वाइट लाइट 7 कलर्स का ही बना हुआ है। ही देन प्लेस अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रिज्म रखा था उसके इन्वर्टेड पोजिशन में दूसरा प्रिज्म रखा इस तरह से, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, उसको उल्टा कर दिया यानी इन्वर्ट टू द फर्स्ट एज शोन इन फिगर। तो ये क्या हुआ, देख लो, तो वाइट लाइट जा रहा है तो वो डिस्पर्स हो गया अपने कंपोनेंट्स में, तो रेड दिखाया और वायलेट दिखा, बाकी 5 कलर भी है बीच में लेकिन वो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल 2 कलर दिखा रहा है, बीच में 5 कलर्स भी है, टोटल 7 कलर्स में वो डिस्पर्स हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि वही कलर्स जब फिर से प्रिज्म में से रिफ्लेक्शन किया सेकंड प्रिज्म में से जो कि इन्वर्टेड है, तो वो 7 कलर मिल के वाइट लाइट बन गया फिर से, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन पे देखा तो वाइट कलर दिखाई दिया। तो ये क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन, वाइट लाइट में से 7 कलर फॉर्म है, 7 कलर्स में से अगेन वाइट लाइट, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक। दिस दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। तो हर एक कलर से स्पेक्ट्रम के सबको सेकंड प्रिज्म से पास किया तो वो फिर से वाइट हो गया वाइट लाइट। ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। तो सेकंड प्रिज्म से लास्ट में जो बीम हो रहा है तो वो वाइट लाइट का हो गया। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से बना हुआ है। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज वाइट लाइट, ठीक। तो अगर कोई लाइट है वो इसी तरह का स्पेक्ट्रम दे रहा है 7 कलर्स का तो उसको वाइट लाइट कहते हैं। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शोअर। तो रेन होता है तो उसके बाद बहुत टाइम हमको रेनबो दिखाई देता है, ठीक है, स्काई में। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो मानसून की सीजन में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं स्काई में, तो उसमें क्या होता है कि सनलाइट जाती है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से, और जो सनलाइट है तो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो वही 7 कलर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से पूरा रेनबो, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। तो जो सनलाइट की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट में रेनबो फॉर्म होता है। अगर सन ईस्ट में है तो रेनबो ईस्ट में नहीं होगा, उसकी कोई और डायरेक्शन में होगा, अपोजिट यानी कि वेस्ट में होगा, वेस्ट में है तो ईस्ट में होगा। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एक स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और सनलाइट को अपने 7 कलर्स में स्प्लिट करते हैं। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनबो, ठीक। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुआ, उसका जो मतलब जो पाथ था वो चेंज हुआ, बैंड हुआ और वो रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डिस्पर्स हुआ, तो अपने 7 कंपोनेंट्स कलर्स है उसमें स्प्लिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो सेकंड सरफेस पर जा रहा है तो वहाँ पे से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहते हैं ना कि कोई एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वो बैक जाए तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्ट होगा उसके बाद क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आएगा, कम्स आउट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या यहाँ पे दो फिनोमिनन हुए, एक लाइट का डिस्पर्जन हुआ 7 कंपोनेंट का, दूसरा हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है और ये यहाँ पे जो होता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई, ठीक है। तो जो अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है वो ऑब्जर्वर किया इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो वो देख रहा है तो उसको एक वायलेट कलर यहाँ से दिखेगा और रेड कलर यहाँ से दिखेगा, तो पूरा का पूरा रेनबो दिख गया इस तरह से। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल
और थ्रू अ वाटर माउंटेन। तो वाटरफॉल होता है, तो जहाँ पे वाटरफॉल होता है तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा वाटर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में बहुत सारे होते हैं स्काई में, तो नीचे से अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है, विद द सन बिहाइंड यू, ठीक। तो ये होगा पूरा रेनबो फॉर्मेशन, ठीक।